सभी को और सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सब लोग अपने अपने व्यस्त समय से यहाँ समय निकाल करके पहुँचे, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट निकल चुके हैं, वो एक दूसरे कार्यक्रम में थे और थोड़ी देर में हम लोग के बीच में होंगे, तब हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर पाएंगे। रास्ते में हैं, थोड़ा सा हम लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। बात करते हैं, हमारे अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं। शिक्षा हमारा हक चिल्ड्रन फेस्टिवल के इस आयोजन में, भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस सभागार में आप सभी सम्मानित अतिथियों का हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस आयोजन शिक्षा हमारा हक बाल महोत्सव में, बाल महोत्सव ये आयोजन क्राई नई दिल्ली और वॉयस ऑफ पीपल के हमारे दोनों के संयुक्त रूप से किया गया है। और क्राई जो पिछले 30 वर्षों से 200 पार्टनर एनजीओज के साथ काम कर रही है और अपने बच्चों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और इसके अभिभावक और समुदाय एनजीओज के बीच मिलकर के लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं, अपने हस्तक्षेप को लगातार और तीखा करे हुए हैं कि किस तरह बच्चों के जीवन में स्थायी बदलाव आ पाए। वॉयस ऑफ पीपल जो हमारा संगठन है, ये उत्तर प्रदेश के बाल अधिकारों के पैरोकार संस्थाओं का साझा संगठन है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम कर रहे बाल अधिकारों पे बेचैन जो संस्थाएं हैं उनका एक बाल हक की पैरवी करने वाले प्रतिबद्ध संगठन है। क्राई और बीओपी दोनों के संयुक्त प्रयास से आज का ये चिल्ड्रन फेस्टिवल का शिक्षा हमारा हक ये आयोजन आप सभी के साथ हम लोग मिलकर के मना रहे हैं और आज बच्चों की बहुत सारी प्रस्तुतियों को हम लोग देखेंगे। बाल हृदय की गहराइयों में आज हमें झांकने का अवसर मिलेगा। हमारे बीच में सम्मानित अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से माननीय योगेश दुबे जी हमारे बीच में हैं, हम सभी ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे और बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। माननीय योगेश दुबे जी बाल अधिकारों के लिए उसी तरह जिस तरह क्राई और वॉयस ऑफ पीपल अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग बाल अधिकारों के लिए बहुत चिंतित आत्मा हैं, उसी तरह माननीय योगेश दुबे जी हर अवसर पे जहाँ कहीं बाल अधिकारों का हनन हो रहा होता है और बाल अधिकारों के संरक्षण की बात होती है उस जगह उनका हस्तक्षेप जरूर होता है और हम लोगों को हमेशा उनका साथ मिला रहता है। हम मिल के काफ़ी काम बदलाव में भूमिका निभा पाते हैं। हमारे बीच में बाल अधिकारों पे बचपन की चिंता पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे रमाकांत राय जी हैं, बहुत लंबे अरसे बाद हम आपको मिल पा रहे हैं और हम सभी ताली बजाकर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में सीनियर पत्रकार फरजंत अहमद जी हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से बराबर समाज की समस्याओं पे अपनी चिंता जाहिर करते रहते हैं और बहुत सारे अपनी लेखनी के माध्यम से सवाल उठाते रहते हैं, पहले सवाल उठाते रहते हैं और वो लेखनी कहीं ना कहीं अगर हम समाज के किसी भी मुद्दे को छूते हैं तो समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो बच्चों को प्रभावित न करता हो। बड़ों की समस्या हमेशा बच्चों को प्रभावित करती है और बच्चे भी परेशानी की हाल में जाते हैं। तो और क्राई के हमारे साथी वॉयस ऑफ पीपल के हमारे नालंदा फाउंडेशन के सक्षम फाउंडेशन से
साथी फाउंडेशन से, कई एक संगठनों से हमारे साथी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम हृदय से सभी का यहाँ पे बार बार स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आपकी अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके बीच में बच्चों के का एक गीत है जो कार्यक्रम की शुरुआत हम मेरा भी अधिकार एक गीत से शुरू करना चाहते हैं। पहले हम लोग इस गीत को देखेंगे, उसके बाद और आगे फिर हम लोग चर्चा जाए। हम बड़े दुख के साथ ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वायस ऑफ पीपुल, उसके महासचिव श्री श्रद्धेय आरबी पाल जी हमारे बीच में नहीं रहे और पिछले 31 अगस्त को उनका आकस्मिक निधन हो गया कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण। और आरबी पाल जी के बारे में अगर हम बताएं तो अंबेडकर नगर जिले के कुटियावां बेवाना पोस्ट में एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति रहे, जो बराबर बाल अधिकारों के लिए सतत संघर्षशील रहे अपने छोटे से जीवन काल में। और सुदूर क्षेत्र से निकल के अंबेडकर नगर का कुटियावां गांव, जो बहुत दुर्गम इलाका है, उस सुदूर क्षेत्र से निकल के लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो वापस अपने गांव जाके उन्होंने अब तक का अपना पूरा जीवन बाल हकों में अपने बाल बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लगा दिया और पूरा जीवन समर्पित किया समाज का। आज हम उनको, श्रद्धेय आरबी पाल जी को हम सभी लोग सत सत प्रणाम करते हैं। और आज का ये आयोजन बाल शिक्षा अधिकार, शिक्षा हमारा हक चिल्ड्रन फेस्टिवल, उन्हीं को समर्पित करते हैं। समाज का आरबी पाल जी का ये सोचना था कि समाज का कोई भी ऐसा समस्या जिसका प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है वो उसे प्रमुख समस्या मान करके उनके हर संभव प्रयास और हस्तक्षेप के लिए बच्चों के हित के लिए बराबर लगे रहते थे। और अपने कार्यक्रमों से बाल हकों के संरक्षण के लिए संवर्धन की दिशा में काम करके इनको श्रद्धांजलि देंगे ताकि उनका सपना, जो अधूरा काम वो छोड़ गए, वो सपना पूरा हो सके और एक खुशहाल बचपन का सपना बच्चों को मिल सके, एक खुशहाल बचपन बच्चे जी पाए। तो हम अपने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत का गीत मेरा भी अधिकार से शुरू करते हैं। Thank you.
से बच्चे किस तरह सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हम सबको भी बिल्कुल रोमांचित कर गए और हमें अपने कर्तव्यों का हर नाटिका में वो बार बार हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए जा रहे हैं। अब जो इन नाटकों को इन तीनों प्रस्तुतियों को जिन्होंने सजाया और संवारा है मिस्टर वॉल्टर पीटर को हम यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो अपने अनुभव हमसे साझा करें। हेलो, मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे ब्याह पर? मेरा नाम वॉल्टर पीटर है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन कंपनी से जुड़ा रहा और मानता हूँ कि ड्रामा एक माध्यम है और हम थिएटर करने वाले के लिए शायद ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत कम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली बात है कि मैं कोई स्टार नहीं बनूंगा इनके साथ काम करके, पर मैं बहुत से बच्चों के साथ मिल पाया हूँ और ये पूरी की पूरी जो मुहिम है इसमें ये सबसे ज़्यादा क्राई को समझ में आई है, ऐसा मेरा मानना है, या मैं क्राई तक ही पहुँच पाया हूँ। मेरी बात सुनेंगे सब? तो सुन लो, बोले बुर्र बुर्र। अब सुन लो, एक मिनट में बड़ों से भी बात करूँ, ठीक है?